जैसे अपना खर्चा करे यहाँ तो 4 लीटर मोहजी करा लाए के भरोसे नौटंकी ना आए हो। अगर चलावल जा नौटंकी देखे जा रात में जनरेटर चला तो 4 लीटर तेल और जाए पर पता लाग फिर चलाया भाई 10 मिनट में आएगी फिर बंद कर देगा फिर चली जाए फिर कर दे। असल बात हमने 10 मिनट भाई एक मारा गुस्सा जा जिनके हमारे माइक ना चलाता है लड़की का पावर अलग से एक सन है जनरेटर कनेक्शन अलग है एक चलकर हमारे दो लीड उड़ गई है खाली हाफ है डाउन में और लीटे खराब आज पर दूसरी बार कटी है एक बार हम गांव में ना रोई या लड़के कटा था या फिर पानी पूरे चढ़ा था। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था। घर में मेरी माँ थी, माँ का नाम अनारकली था। घर में मुझसे बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। आपके घर में आपके माता जी थी, माता जी का नाम अनारकली। आपके एक बड़े भैया थे, भैया का नाम नील रहानी। अनिल हम समझे नील रहानी। आपके छोटी बहने आए जिनके नाम कंजली नहा अंजलि था। और आपके घर में कितने पिलानी है? मेरे घर में 5 लोगों का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे लेकिन आपके 20 साल पहले दीपावली का त्योहार आया। ठीक दीपावली के दिन आधी रात को मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। मैं डर के मारे वहां से छुप गई। इतने में आरा फोर मेरे भैया नील को मेरी बहन अब की रो गई। सबसे ज्यादा यही रोई जा सकता है मेरे भैया नील को मेरी बहन अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसकी गाड़ी में बंद करके उठा ले गए। मैं अकेली बची दर बदर की ठोकरें खाने लगी। धीरे धीरे सियाली हो गई। अब लोग मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाते कोई खाने के लिए नहीं देता है। यही सब मेरे साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है इसीलिए आज मैंने मरने का फैसला कर लिया। इतनी दुख दर्द भरी कहानी एकदम जिसकी करुणा भरी है रास्ता सुनने के बाद तो मेरा कलेजा कांप गया। तो हाथ कलेजा कांप के भैया हम आज दोनों गुर्दा गायब हो गया। बच्चा है ये इतना अच्छा। इस लड़की को मेरे पास बुलाओ मैं इससे कुछ बातें करूंगा। अच्छा अच्छा हेलो मैडम जी हो स्त्री हो लेडीज। अरे वो लकड़ी ये तो क्या बना गया वो का कहा तुम लड़की का लकड़ी का। अरे लड़की और भाई खड़ी हो Thank you.
एक मकान का फर्ज होता है कि इस साल के काम आना, ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था। मैं मौके पर पहुंच कर तेरी जिंदगी को बचाया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मेरा नाम विनाश है। वैसे ज्यादा विनाश का कर दे, अभी विकास है कि विनाश है? विकास कुमार। घर में छोटा भाई है जिसका नाम अमित कुमार है, बहन है जिसका नाम आशा परवला है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं वो बात कहूँ। बाबूजी, आपको जो भी कहना है आप कहिए, मैं नहीं बुरा मानूंगी। Thank you.
आपकी बात हमें मंजूर है। मैं इस परम पिता परमेश्वर की कसम खाके कहती हूँ कि मैं भी आपकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके पहले आप जानते हैं दुनिया की रीति रिवाज इस समाज को देखते हुए अगर मैं इस तरीके से आपके साथ जाऊंगी तो लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, न जाने कैसी लड़की लेके जा रहा है साथ में। इसलिए अगर मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो कम से कम भगवान नाम भगवान का नाम लेकर के कम से कम आप मेरी मांग तो भर दीजिए। आप लोग गलत मत समझिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी एक पतिव्रता हूँ। हाँ हम कल आज बता रहा कि तू एक पतिव्रता हूँ। पतिव्रता नहीं पतिव्रता यार, पतिव्रता हम पतिव्रता न, हम जर्सी गाय। अरे भैया पतिव्रता पतिव्रता। अच्छा पतिव्रता कहावत जोन कहे गलत ना हो धर्मेंद्र। हाँ अंगुरी पकड़ाऊंगा तो हाथे पकड़ के खींच ले। बोला कहा 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 क्या कहा कहा क्या कहा क्या हमारी मांग कल्याण के तो हम चलन ना इतना है। वो गलत ना सही कहा क्या भैया, इससे लिया जब तक गांव देश वाले हमारे चोर पर गांव वाले थुक हैं। एक माता देश में लड़की भगा के लिए आई है, लड़कियाँ कैसे आए कैसे ना घर लग के आए। अगर तेनू पड़ा रहे गांव वाले देखे कहीं लाइसेंसी यहाँ कम कम शादी के चली आया कौनों की मत न बड़ी बोल रही है। ले जाओ बाजार एक टेबलस्पून धो लेकर आओ। तेनू बाजार एक काम करो भैया तू घरे चला, हमें चल जाए जा रही बाजार ओकरे बाद मुँह से नहीं खरीद के मांस खाओ ओकरे बाद खरीद लिया चलो। बढ़िया सोच आपके साथ घर पर तैयारी करूंगा बिल्कुल। तुम जाओ बाजार लियो करके और इसकी मांग को सजा करके दोनों प्राणी आराम से चले आओ। का भैया कैसे दोनों प्राणी? नहीं नहीं कैसे दोनों प्राणी? अरे यार जब तू मंगिए तू हर वक्त बाहर मेहरा हो जाए तो पर मनखेदू हो जाए। हाँ मेहरारू मंगिए तू ही भर में कहा था ना। हाँ तो मांग भाग जब कहा मेहरा बाहर मेहरा हो जाए तब तो भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमारे आजा का तब बहन हमारे आजी के सेनू रखा रहा तो हमारे आजी कहे नहीं है सेनुरुआ ले जा के बहनुआ फेंक जा। हम उस सेनू रुकाए बकरी पानी रही बकरी ऊपर फेंक दी। और किस्मत में बकरी शायद भगवान लिखे हो कल बात नहीं पहुंचते मान सवेरे बुझरी पहन जाऊ देखा भैया आपके पता हो चाहिए कि हम ऐसे उसे लड्डू खाएगा घरे के न हो हम ब्राह्मण के घरे के मनाई। हमारे दादा करावत रहे दादा करावत रहे तो हम वो कराई थी देखा जो करा जल्दी करा तीन दिन खाना खाए पहले तो हम चबो आई हमका हल्के पंडित है ना पंडित है जैसे जैसे लिया करे साल छह महीने ज्यादा लिख भी नहीं हुआ मर गया मरते नहीं यार शादी कराए गाँव में हवा नहीं करा वो दिल्ली बम्बई चला जा था मारे साथ इस साल समय न लेकिन ना बाबा मेरा कितना ज्यादा खर्चा आ गया कि मां से तो बेटा गांव में पागल हो जा उधार मार मजदूरी दोनों पर आनी चाहे पड़ा था और हम कैसे उसे ना समझा पंडित ये जरा नहीं पंडित ना हो पंडित जी का पोता ही नाती नहीं कह पाया नाती कहां छोटा भाई पाया। जब गांव में हम दोनों भाई चाहरी थी ना तो गांव वाले हमका देखा दिन का दिन माँ देखा अरे यार उनका शिवा कान पहाड़े के नाती को होता जाता है। ये बुजुर्गों की प्यार की भाषा है प्यार की ये जो उपाय उपाय क्या थी ना महाराज हल्के में लेता था एक ही दोनों भगवान हल्के में लेता था भगवान के नाम उपाय सुना बस बोलो मास्टर पति बढ़िया।
अरे मौसम बनवा तो ही ये
से भगवान करे एक महीने बाद तो हाथ पति की कुर जाए। ले तो ऐसे पंडित फिर भी लग्न पर रखता चलो मैं तो चली बात।